Welcome to Government Jobs for You YouTube channel. Himachal Pradesh State Agriculture Marketing Management Board Recruitment 2019. Himachal Pradesh State Agriculture Marketing Board Engineer, Accountant, Supervisor सहित विभिन्न पदों पर recruitment कर रहा है. Last date apply करने की यहाँ पर रहेगी 10th March 2019. वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो और आप रेगुलरली गवर्नमेंट जॉब्स प्राइवेट जॉब्स अपडेट लेना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट 2019 हायरिंग ऑफ स्टाफ फॉर कंपोनेंट सी मार्केट डेवलपमेंट एच पी एस ए एम बी ऑफ हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. टोटल वैकेंसीज देर आर 11. प्रोजेक्ट इंजीनियर का यहाँ पर एक पद भरा जाएगा. क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी 80,000 पर मंथ. नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट इंजीनियर. टोटल 2 वैकेंसीज है यहाँ पर एंड इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस. अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है और अगर आप एम टेक इन सिविल इंजीनियरिंग है साथ में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. सैलरी यहाँ पर रहेगी आपकी 50,000 पर मंथ. नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है हेड ड्राफ्ट्समैन प्लानिंग ऑफिसर. इसके लिए एक पद भरा जाएगा और इसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप विद 10 ईयर एक्सपीरियंस या बी आर डिग्री विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस. इन दोनों डिग्री में से दोनों क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं. सैलरी यहाँ पर रहेगी 25,000 पर मंथ. नेक्स्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर ये कर रहे हैं मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट. यहाँ पर एक पद भरा जाएगा. इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट डिग्री विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन सपोर्ट प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़. तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,000 पर मंथ. नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है मैनेजमेंट असिस्टेंट अकाउंट्स. इसका एक पद भरा जाएगा. इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीकॉम विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स फील्ड. आप अगर अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट फील्ड में या प्राइवेट या सरकारी फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए. सैलरी यहाँ पर रहने वाली है 25,000 पर मंथ. नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है वर्क सुपरवाइजर सिविल की. इसमें 4 पद भरे जाएंगे और आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस या ITI विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस. इन दोनों क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं. सैलरी यहाँ पर रहने वाली है 20,000 पर मंथ. बात करें एज लिमिट की यहाँ पर फॉर जनरल पब्लिक यहाँ पर आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 45 ईयर्स. मैक्सिमम एज आपकी इतनी होनी चाहिए. इससे कम आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर 45 ईयर्स से अगर आपकी एज ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. बट मैक्सिमम एज फॉर रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट से अगर जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर रहने वाली है 65 ईयर्स. बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो जो आपका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 10 मार्च 2019. अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ये एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक इसको इनिशिएट कर रहा है और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये 11 महीने तक ये प्रोजेक्ट चलेगा. तो ये आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी स्पेशल इनिशियल स्टेज पे आपके 11 महीने तक आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा. उसके बाद अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये आपका जो टेन्योर है वो आगे बढ़ाया जा सकता है. अब आपने अप्लाई कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ. अप्लाई करने के लिए आपको अपना CV आपका जो रेज्यूमे है आपने उसको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा उसको तैयार कर लीजिएगा और एक एनवलप में उसको डाल दीजिएगा और बाहर आप उसमें लिख दीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और नीचे आप लिख सकते हैं उसमें जो एड्रेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इस एड्रेस पर आप उस CV को भेज सकते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर HPSAMBPIU COMP CHP HDP विपिन भवन यहाँ पर जो है खलीनी होगा यहाँ पर ठीक है एंड शिमला 17122 आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं और जो शॉर्टलिस्ट वो करेंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.